स्प्लिट एयर कंडीशनर का कैपलरी कैसे चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कि कैपलरी कैसे चेंज किया जाता है स्प्लिट एयर कंडीशनर का। जो भी उसमें ब्लॉकेज हो जाए या फिर चोक हो जाए तो कैपलरी और फिल्टर दोनों चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज किया जाता है आज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैपलरी कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है, ड्रायर फिल्टर अगर आपके पास नहीं है, तो विदाउट ड्रायर फिल्टर के आप कैपलरी, सिर्फ कैपलरी लगा करके सिस्टम को रन करवा सकते हैं, सिस्टम को आप चला सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छी कूलिंग करेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कूलिंग नहीं करेगा, लेकिन फ़िल्टर लगाया जाता है थोड़ी सी कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, लेकिन सेफ्टी उफ्टी मैं तो लगा देता हूँ कभी कभी, मेरे पास फ़िल्टर नहीं रहता है ड्रायर फिल्टर, तो मैं सिर्फ कैपलरी डाल करके ही चला देता हूँ और सिस्टम अच्छा चलता है। कैसे लगाना है, अगर आपके पास ड्रायर फिल्टर नहीं है तो कैसे आप पे सिर्फ कैपलरी लगा करके और आप कैसे रन करवा सकते हैं, सिस्टम को कैसे चला सकते हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और देख पाएँ सबसे पहले। तो है ये 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर, जिसमें क्या है, इसका कैपलरी में निकाल दिया हूँ, कैपलरी और ड्रायर फिल्टर मैं निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं इसको। अब लगाना कैसे है, निकालने के लिए तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन लगाना कैसे है उसका आइडिया आप समझ लीजिए। ये हमने निकाला, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था, ये ड्रायर फिल्टर देख रहे हैं आप किस तरह से फूल गया है, उसमें एयर भर गया है, फूल गया है और फूल करके फट गया था, जिसके वजह से यहाँ से लीकेज बहुत ज़्यादा हो गया था और गैस पूरा निकल गया था बाहर। अभी कैपलरी हम देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है कितना लंबा कैपलरी लगाना है कौन से सिस्टम में, कैपलरी की लेंथ नहीं पता है, तो आप इसी तरह से कैपलरी जब भी निकाल रहे हो उसी तरह से सेम साइज़ कैपलरी, वही तो लगभग 1 टन के एसी में 1 मीटर की कैपलरी लगाई जाती है, 1.5 टन के एसी में 8 नंबर की कैपलरी लगाई जाती है। अब देखिए इसे हम माप लेते हैं या फिर मीटर से आप माप लें, 1 मीटर की होनी चाहिए, 1 मीटर की 2 कैपलरी 1.5 टन के एयर कंडीशनर में। यहाँ पर हम इसे नाप करके इसे हम लगाएंगे इसमें। यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसे मैं उसी तरह देखिए, कैपलरी जब भी लगा रहे हों तो 2 कैपलरी एक साथ में जब लगा रहे हों तो दूर दूर आपको टेप मार देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तब लगाते समय आपको दिक्कत नहीं होती है या फिर बैंड करते समय आपको दिक्कत नहीं होती है। बैंड कैसे किया जाता है, बैंड अगर आपको करना है तो कैपेसिटर में लगा करके बैंड किया जाता है, फिर मैं दिखाऊँगा इसी वीडियो में। तो ये कैपलरी का जो नया कैपलरी, अभी मैं इसे फाड़ करके निकाला हूँ पैकेट से, और इस कैपलरी को हम खोल देते हैं और टेप मार देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं टेप मार रहा हूँ ना, उसी तरह से इसमें टेप मारना है, आप देख सकते हैं दूर दूर टेप मार देना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक कैपलरी बड़ा हो जाए एक कैपलरी छोटा हो जाए। इसलिए सेफ्टी के लिए आप दूर दूर आप टेप मार देंगे ना तो कैपलरी हिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा कैपलरी। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे टेप मार देते हैं। वॉइस में बाद में शूट कर रहा हूँ, पहले मैं वीडियो शूट कर लिया था ताकि आपको समझाने में अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ तो यहाँ पर दिमाग फ्री है और मैं अच्छे से बता पाऊँगा, और वहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ वहाँ पर साउंड बहुत होती है इसलिए वॉइस सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं वहाँ पर वॉइस शूट नहीं किया, केवल वहाँ पर मैं वीडियो शूट कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए दूर दूर हम कैपलरी मार लेते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, कंप्लीट मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप बिना ड्रायर फिल्टर के आप कैपलरी लगा सकते हैं सिस्टम में, क्योंकि आज मैं वही करने वाला हूँ, बिना ड्रायर फिल्टर नहीं लगाऊंगा इसमें, मेरे पास नहीं है ड्रायर फिल्टर, और मैं सिर्फ कैपलरी लगा करके ही और एसी को चला करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है।
और एक बार ड्रायर फिल्टर आप नहीं लगाते हैं, कैपिलरी सिर्फ लगा देते हैं। कुछ कैपिलरी में चेंज किया था आज से 3 साल पहले, आज तक उस एयर कंडीशनर में ब्लॉकेज की दिक्कत नहीं आई है। देखिए ये कैपिलरी हम नाप लेते हैं, 1 मीटर का है नापना, क्या है 1.5 टन के एसी में 1 मीटर की 2 कैपिलरी लगा सकते हैं 8 नंबर की, और 2 टन में 1 मीटर की 9 नंबर की कैपिलरी लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए नाप रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैपिलरी को कट कैसे करना होता है, कि किस किस तरीके से आप कट कर सकते हैं कैपिलरी को, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, इसमें भी दिखाऊंगा। इसमें मैं ट्यूब कटर से कट किया हूं कैपिलरी, लेकिन आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, और कैपिलरी कटर भी एक आता है उससे भी कट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप शुरू होता है कि जो आप देख सकते हैं ये छोटा पाइप मैं कट कर रहा हूँ उसी साइज़ का जो कि डिस्चार्ज जो कंडेंसर से निकलता है एक लाइन, और एक लाइन जा कर के डिस्चार्ज लाइन में जो वाल में जा कर के जुड़ता है। इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे 2 टुकड़ा, एक इनलेट में लगाने के लिए, एक आउटलेट में लगाने के लिए। जो पाइप का साइज होता है वही सेम साइज होना चाहिए ये, क्योंकि ना कैपिलरी अगर हम कंडेंसर लाइन से जो निकल रहा है आउटपुट, अगर वहाँ पर कैपिलरी लगा करके पंच करके वहाँ पर वेवरेजिंग कर देते हैं तो पाइप छोटा, नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी, मानिए कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी कैपिलरी चेंज करना हुआ तो वहाँ पर पाइप आप कट करेंगे तो छोटा हो जाएगा पाइप, क्योंकि जहाँ ब्रेजिंग हो जाती है एक बार वहाँ पर पाइप ट्यूब कटर से कट करना ही पड़ता है। इसलिए आप छोटा सा टुकड़ा आप अपने पास से लगाएँ ताकि वहाँ पर बहुत ही आसानी से आप ब्रेजिंग कर पाएँ। और देखिए या इस तरह से करने पर कभी भी कैपिलरी ब्लॉक होने के चांस नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कैपिलरी जब लगा करके हम ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, ब्रेजिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से ये जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपका कैपिलरी ब्लॉक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्विगिंग करेंगे, हम स्विगिंग करेंगे ताकि जो दूसरा पाइप है सेम साइज़ का जो आउटलेट पाइप है वहाँ पर बैठ जाए आसानी से। यहाँ पर स्विगिंग करेंगे हम, एक तरफ फ्लेयरिंग के लिए दिया रहता है ऑप्शन और एक तरफ से ऑप्शन दिया रहता है स्विगिंग के लिए, तो यहाँ पर हम स्विगिंग करेंगे। अब देखिए किस तरह से बन जाएगा अच्छे से स्विगिंग जब हम इसका करेंगे। ये हमारे पास टूल है, ये जो टूल हमारे पास है ना, कुछ टूल ऐसे आते हैं जो सिर्फ फ्लेयरिंग करने के काम में आते हैं, लेकिन ये जो टूल है हमारा फ्लेयरिंग टूल, इसमें स्विगिंग करने का ऑप्शन भी दिया है और फ्लेयरिंग करने का भी ऑप्शन दिया है। कैसे करना है अभी देख लीजिए, इसको इसे हम अच्छे से लगा करके टाइट कर लेंगे पाइप को। 3/8 का है या फिर 1/4 का है, किसी भी साइज़ का पाइप है उसमें आप बैठा करके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ना ये हमारे पास अब देखिए फ्लेयरिंग का है। अब स्विगिंग का टूल हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इसे निकाल करके हम जो स्विगिंग के लिए दिया जाता है उसे हम लगाएंगे। जो भी साइज, अलग अलग साइज़ का स्विगिंग के लिए अलग अलग टूल दिया जाता है, अलग अलग साइज़ का यहाँ पर बैठाएंगे और इसमें देखिए इस तरह से टाइट कर देंगे, और जिस तरह से फ्लेयरिंग किया जाता है उसी तरह से ठीक हम करेंगे, दबाएंगे उसमें तो एक घाट बन करके अंदर जाएगा और यहाँ पर अच्छी तरह से स्विगिंग हो जाएगी। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं वीडियो कट कर दिया हूँ, स्किप कर दिया हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, देखिए यहाँ पर हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। छोटा सा टुकड़ा जो हमने बनाया है उसे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं कैपलरी। अब देखिए यहाँ पर एक साइड में कैपलरी को हम यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे, दूसरी साइड से हमारा कैपलरी दिखेगा कि वो ब्लॉक हुआ है या फिर नहीं। जब भी इस तरह से कर रहे हो ना, तब भी ये जो छोटा टुकड़ा है इसे थोड़ा सा इसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि ब्रेजिंग क्या होता है जिधर ढाल पाता है उधर भाग के ब्रेजिंग बहुत तेज़ी से भागता है, क्योंकि पाइप हीट होता है ना, पाइप जितना हीट होगा ब्रेजिंग उतना पानी की तरह चलेगा, एकदम पानी की तरह बिल्कुल चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना तेज़ी से ब्रेजिंग पिघल रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर अब ब्रेजिंग हमारा हो चुका है, एक साइड में हो चुका है। अब यहाँ पर आसानी से हम यहाँ से होल में से देख सकते हैं कि हमारा कैपिलरी ब्लॉक तो नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये आइडिया अपनाया हूँ और बहुत अच्छी तरह से सक्सेस काम करता है ये आइडिया। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर चाहे जिधर से भी घुमा करके देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किधर भी ब्रेजिंग। यहाँ पर कैमरे में दिखाने की कोशिश करूँगा लेकिन शायद दिखेगा नहीं, कैपिलरी ब्लॉक नहीं हुई है बिल्कुल भी, कैपिलरी एकदम सेफ ऐसे ही है जिस तरह से हमने कट किया था कैपिलरी। एक तरफ का ब्रेजिंग हो चुका है, अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ का ब्रेजिंग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमने ये टुकड़ा लगाया हुआ है ताकि जो सिस्टम में जो पाइप दिया हुआ है वो सेफ़ रहे, वहाँ पर ब्रेजिंग ना हो और दोबारा काटना ना पड़े। जब भी हमें खोलने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो ये ब्रेजिंग से जो हम छोटा टुकड़ा लगा रहे हैं यही छोटा टुकड़ा हमें खोल देना होगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्विगिंग हमने किया है, वो भाग थोड़ा सा ऊँचा है, थोड़ा सा खुला हुआ है जो हमने स्विगिंग किया है। दूसरे साइड में अब हम ब्रेजिंग करने वाले हैं। तो ये छोटा सिस्टम होता है, बहुत ही आसानी से थोड़ी से आसानी से हो जाता है, इसलिए हमें इस तरह से हमारा सिस्टम जो है जो ब्रेजिंग का सिस्टम है थोड़ा छोटा है लेकिन हमारा काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं करना होता है इसलिए हमारा इतने से काम चल जाता है। और ये भी कोई अच्छा ब्रेजिंग करता है, ये भी ऐसा नहीं है कि ये लो क्वालिटी है या फिर आँच इसमें कम होता है, जो आग होता है ना ये ऐसा नहीं है कि कम होता है, हीटिंग कम होता है इसमें। ये भी अभी देखिए, अभी देखिए पूरा लाल हो जाएगा, ये देखिए ब्रेजिंग किस तरह से अब देखिए पिघलना शुरू होगा। जितनी अच्छी तरह से हीट करेंगे पाइप को उतनी अच्छी तरह से ये ब्रेजिंग चलेगा इसके कॉपर पाइप के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेजिंग चल रहा है। इस तरह से दोनों कैपिलरी को हम क्या करेंगे कि ब्रेजिंग करके आसानी से अब दोनों साइड से हम देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेजिंग हमारा करते समय जो कैपिलरी है उसका मुंह बहुत पतला होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लॉक हो गया हो। दोनों साइड से हम देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक आउटपुट में एक इनपुट में दोनों में हमें क्या करना है, ब्रेजिंग करना है, बस सिंपल सा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिलरी को फोल्ड करेंगे यानी कि हम बेंड करेंगे कैपिलरी को एक कैपेसिटर की मदद से। दोनों पाइप हमारा सही है, किधर भी ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ एकदम परफेक्ट खुला हुआ है, दोनों तरफ हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर की मदद से इसे हम गोल राउंड कर देंगे ताकि कैपिलरी जहाँ भी हम रखें आसानी रहे। थोड़ा सा हमें गैस है इसलिए फिर से हम थोड़ा सा ब्रेजिंग करने वाले हैं, यहाँ पर लीक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है वहाँ पर, इसलिए हम वहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा ब्रेजिंग करेंगे ताकि वो जल्दी वहाँ से लीक होने के चांस ना हो, वहाँ से जल्दी लीक ना हो। और जब भी कैपिलरी आप ब्रेजिंग कर रहे हो आँच बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जो ब्रेजिंग सेट है ना उसको थोड़ा कम करके रखें ताकि हल्का आँच रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा आँच लगने पर कैपिलरी अंदर से ब्लॉक हो जाती है गर्म होकर के, इसलिए आँच इतना ही करें जितने में ब्रेजिंग रॉड पिघल जाए। अब दोनों तरफ से इस तरह से हम कर देंगे ताकि ये हमारा ये ब्रेजिंग अब अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसे हम राउंड में घुमा देंगे
एक कैपिलरी जब भी हम ब्रेजिंग करते हैं तो वो कॉपर पाइप गर्म होता है, इसे हाथ से टच करेंगे तो हाथ जल भी सकता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। यहाँ तक तो दोनों हिस्से में हमने इनपुट और आउटपुट में दोनों दोनों तरफ हमने लगा दिया है जो छोटा छोटा टुकड़ा है। अब देखिए कैपेसिटर इस तरह से लेंगे और किस तरह से कैपिलरी को हम गोल गोल घुमा करके राउंड कर देंगे। अभी कैपिलरी गर्म है इसलिए थोड़ा सा मुझे कपड़े की ज़रूरत है। अब कपड़े की मदद से हम रखेंगे ताकि क्या हो कि हमारा जो हाथ जल रहा था हाथ ना जले। कपड़ा रखना चाहिए, कभी कभी पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कुछ ठंडा करने की जैसे फॉर वाल्व अगर चेंज कर रहे हों तो वहाँ पर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से कपड़ा रखना चाहिए हमेशा टूल के साथ में। इस तरह से देखिए कैपेसिटर के ऊपर गोल गोल हम राउंड घुमा देंगे ताकि कैपिलरी हमें अच्छे से रखने में मदद मिल जाए, कैपिलरी दोबारा टच होके फिर से लीक ना होने पाए। देखिए कैपिलरी कितनी आसानी से हो चुका है। अब यहाँ पर आप सेफ्टी जो टाई होता है उसे लगा सकते हैं या फिर टेप मार सकते हैं, तो इस तरह से आप लगाएं। अब देखिए सिस्टम में हमें आउटपुट में और इनपुट में कैसे इसे हमें ब्रेजिंग करना है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी सीख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हैं एक एक करके। इसी तरह से करना होता है, अगर आपके पास ड्रायर फिल्टर नहीं है तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। अब दोनों हिस्सों को आउटपुट, अब यहाँ पर देखिए हम फिक्स कर चुके हैं कैपिलरी को, जो कि जो आउटपुट निकल रहा है कंडेंसर से और जो इनपुट हमारा जो जा रहा है डिस्चार्ज लिक्विड लाइन में, उस दोनों जगह पे इनपुट और आउटपुट हम वहाँ पर लगा देंगे ताकि सिर्फ ब्रेजिंग करना रह जाए। और उसके लिए देखिए जो वाल होता है ना छोटा, वाल को बाहर ज़रूर निकाल लें क्योंकि वाल जल करके ख़राब हो जाता है, फिर आप वहाँ पर रुकेगा नहीं, गैस लीक होता रहेगा। इसलिए जब भी ब्रेजिंग कर रहे हैं यहाँ पर आउटडोर में तो वाल को आप बाहर निकाल लें, जहाँ से हम गैस डालते हैं उस वाल को बाहर निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर पहले हम कंडेंसर के आउटपुट पर यहाँ पर हम ब्रेजिंग करेंगे। पाइप जितनी अच्छी तरह से गर्म होगा उतनी अच्छी तरह से ब्रेजिंग रॉड हमारा पिघलेगा, तो यहाँ पर हम इसे हम ब्रेजिंग करेंगे। एक बार ब्रेजिंग एक बार करनी चाहिए, एक बार इस तरह से करिए ताकि दोबारा वहाँ पर लीक होने के चांस ना हो। मैं आज तक जितना ब्रेजिंग किया हूँ आज तक दोबारा वहाँ से लीक नहीं हुआ है कभी भी। तो इसके लिए आप पाइप जितनी अच्छी तरह से गर्म करेंगे उतना अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेजिंग रॉड पिघलेगा और उतनी अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेजिंग होगा। और पाइप को अगर आप रेग मार्क से मार्क पेपर से अगर आप साफ़ करना चाहते हैं तो साफ़ कर लेंगे तो और बेहतर होगा और बेहतर तरीके से ब्रेजिंग होगा, ब्रेजिंग रॉड और अच्छी तरह से वहाँ पर पकड़ता है। और कॉपर से कॉपर को लगाने के लिए फ्लक्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, कॉपर में अगर कॉपर वेल्डिंग में ब्रेजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्लक्स की, लेकिन लोहा कॉपर की अगर ब्रेजिंग कर रहे हों तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसके बाद का जो ब्रेजिंग अभी हो चुका है, इसके बाद जो है ना वैक्यूम करना मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वैक्यूम पंप हमारे पास नहीं है। वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक साइड से रेफ्रिजरेंट को डालेंगे और एक साइड से डिस्चार्ज के रास्ते से निकाल देंगे। जब तक ठंडा आएगा तो समझ लेंगे कि एयर बाहर निकल चुका है, अभी रेफ्रिजरेंट आ रहा है। तो रेफ्रिजरेंट निकलते निकलते आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, पाइप को बंद कर देना है। जो डिस्चार्ज लाइन पतला होता है आसानी से बंद हो जाता है,
इसलिए वो क्या करेंगे कि डिस्चार्ज लाइन को खोलेंगे और सक्शन लाइन के रास्ते से गैस को डालेंगे और डिस्चार्ज के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, कुछ कंडेंसर के रास्ते से निकलेगा, कुछ इंडोर से होके वापस आएगा और कुछ वहाँ से निकलेगा। तो आउटडोर के कंडेंसर से भी बाहर निकल जाएगा, इंडोर से जो कूलिंग कॉइल से होकर के डिस्चार्ज लाइन आ रहा है वहाँ से भी निकल जाएगा। अब यहाँ से हम प्रेशर देंगे, तो वैक्यूम पंप हमारे पास नहीं है तो प्रेशर देंगे और यहाँ से निकाल देंगे और लीकेज भी प्रेशर डाल करके हम चेक करें। तो प्रेशर डालना हमने आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि थोड़ा मैं जल्दीबाजी में हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, गैस को हम डाल रहे हैं, गैस को अब वैक्यूम पंप नहीं था इसलिए एक तरफ से गैस डाल करके एक तरफ से हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हम गैस चार्ज कर रहे हैं, अभी देखिए थोड़ी देर के बाद इसका सक्शन कितने अच्छी तरह से आने लगेगा। अभी 30-35 का प्रेशर लगभग हो गया है और सिलेंडर में गैस कम है इसलिए मैं सिलेंडर को थोड़ा गिरा के रखा हूँ ताकि जल्दी जल्दी लिक्विड के साथ में चला जाए। अभी यहाँ पर हीटिंग भी आ गया है और सक्शन भी अभी आने लगा है, चिल्ल होने लगा है, लेकिन गैस कम है। गैस कम रहता है तो डिस्चार्ज लाइन बहुत ठंडा होता है, सक्शन लाइन कम ठंडा होता है, लेकिन अभी डिस्चार्ज लाइन थोड़ा नॉर्मल पे आ रहा है और सक्शन लाइन इसका बहुत चिल्ड होने लगा है। बस थोड़ा सा प्रोसेस इसमें रह गया है इसका गैस पूरा होने में। गैस पूरा हो जाता है तो ये सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और एसी में अभी कैपिलरी चेंज करना है तो शायद उसका वीडियो मैं ना बना पाऊँ क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया कैपिलरी चेंज करने का। और भी डिटेल्स में जब भी नेक्स्ट टाइम अगर टाइम रहेगा मेरे पास नहीं हुआ, लेकिन तो और भी डिटेल्स में बताऊंगा, दिखाऊंगा ये करके कि कैपिलरी कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं फ्लेयर। इसमें थोड़ा शॉर्ट कट में मैं किया हूँ, ये गेज हमारा सही नहीं है, मैं गेज अभी गैस हमारा कंप्लीट होने वाला है, कूलिंग भी कंप्लीट आ चुका है, बस हम यहाँ से अभी बंद करते हैं। 50 का प्रेशर दे करके 50-55 का प्रेशर दे दें तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आप सीख गए होंगे कि कैपिलरी को कैसे चेंज किया जाता है और कितना लंबा कैपिलरी लगाया जाता है, 1 टन में, 1.5 टन में, और कितना मोटा कैपिलरी लगाया जाता है, कैपिलरी की साइज़ क्या होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और देख पाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।